मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता से हमें क्या मिला? धर्मनिरपेक्षता से सिर्फ मुशायरा मिला और मीठी मीठी बातें, नारे मिले। नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए मुसलमानों से ये सवाल किया है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की पिछड़ी जातियों को 5% आरक्षण देने को कहा है, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं मिला। वक्फ की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जे हैं। राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता को लेकर ओवैसी ने क्या कहा, देखिए। मैं तो ये समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो आपकी आंख खोल देंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि एक सियासी शऊर बेदार हो जाएगा और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को टाडा लगाकर जेलों में सड़ा कर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मगर आप भूल गए। फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। अरे बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली। क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज़ हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को दुत्कारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। रिजर्वेशन तो तभी हासिल होगा। रिजर्वेशन हम क्यों कह रहे हैं? रिजर्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो फंडामेंटल राइट में आता है, जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है, उसमें ये गुंजाइश है कि वो कौम, वो कास्ट जो सोशली, समाजी और एजुकेशनली, तालीमी तौर पर समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तौर पर पीछे, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम किसी और को रिजर्वेशन दो, उसको उसके खिलाफ नहीं है, दो आप। मगर तरफ तमाशा ये है, नाइंसाफी की हद ये है कि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता, दिया जाना चाहिए। वो बैकवर्ड है सोशली, एजुकेशनली। उसके बावजूद भी ये 3-in-1 की सरकार, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस भूल गए और मराठा रिजर्वेशन की बात करते हैं। अब आपके सामने ये बताना जरूरी समझता हूं कि आप यहां से एक पैगाम लेकर जाएं। असदुद्दीन ओवैसी कोई अपने दिमाग से कोई आदाद-ओ-शुमार या फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाकर ये बात नहीं कह रहा है।